हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अब बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के समरी को पढ़ेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी कुछ खास बातें बताई गई थी उसमें, यानी कि पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या कुछ खास था उसे बताया गया था। तो आज हम चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। ये पूरी तरह से चैप्टर वन का टोटल हम कह सकते हैं कि समरी की तरह है। तो चैप्टर वन में आपको जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से ही आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर वन में हम क्या है आगे देखते हैं। जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो डॉक्यूमेंट निकला है उसे आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का है, जो जल जीवन हरियाली मिशन से प्रेरित है और इस वजह से इसका कलर ग्रीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन में, देखते हैं क्या है। तो कुछ टेक्निकल नोट्स हैं, पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे तकनीकी टिप्पणियां हैं जिसे जानना ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन है पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पहला जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य। तो कांस्टेंट प्राइस एडजस्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल कंप्यूटिंग जीएसडीपी। तो स्थिर मूल्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मुद्रा स्फीति के प्रभावों को संतुलित किया जाता है। यूज़ ऑफ कांस्टेंट प्राइस इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल चेंज इन आउटपुट करेक्टिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो स्थिर मूल्यों के उपयोग से क्या होता है कि मुद्रा स्फीति के प्रभावों को सुधार देने के कारण परिणाम में वास्तविक परिवर्तन की माप संभव हो जाती है। जनरली अ बेस ईयर इज आइडेंटिफाइड फॉर कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट ऑफ इनकम। तो आमतौर पर क्या किया जाता है कि आमतौर पर आय के जो स्थिर मूल्य है तो स्थिर मूल्य पर अनुमान के लिए किसी आधार वर्ष को चिन्हित किया जाता है। दूसरा आपका टर्म है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहा जाता है। तो सीपीआई क्या है, तो सीपीआई इज़ अ मेजर दैट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन फूड मेडिकल केयर। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, सीपीआई क्या है, तो सीपीआई एक ऐसा माप है कि जिसके जरिए परिवहन, भोजन और चिकित्सीय देखरेख आदि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट के भारित औसत मूल्य की जांच की जाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग देम विथ अप्रोप्रिएट वेट। तो इसकी गणना कैसे की जाती है, तो इसकी गणना वस्तुओं के पूर्व निर्धारित बास्केट की हर सामग्री के मूल्य में परिवर्तन को लेकर और उपयुक्त भार के साथ उनका औसत निकाल कर किया जाता है। अगला जो टर्म है वो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्या होता है, तो जीएसडीपी इज़ डिफाइंड एज अ मेजर। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है कि एक ऐसा माप है इन मोनेटरी टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो क्या होता है कि किसी राज्य की सीमा में किसी खास समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा के रूप में माप के बतौर परिभाषित किया जाता है। आगे है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या जीएसवीए। तो ये क्या होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इज द वैल्यू एडेड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। तो निर्गत मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देने पर किसी उत्पादन इकाई द्वारा किया गया मूल्यवर्धन निकलता है। GSVA इज अ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एडेड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। GSDP इज GSVA प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन क्या होता है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यवर्धन का योगफल होता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में सब्सिडी को जोड़ देने और करों को घटा देने पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। आगे है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो PCI या पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम भी इसे कहा जाता है, औसत आय के रूप में भी पर कैपिटा इनकम को जाना जाता है। तो ये क्या है कि मेजर्स द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास वर्ग में प्रति व्यक्ति द्वारा जो उपार्जित या अर्जित किया हुआ जो औसत आय है, यानी कि किसी खास क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति द्वारा जो आय
की जाती है, किस औसत आय है उसी से औसत आय को मापी जाती है, किससे, तो पर कैपिटा इनकम से। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, तो किसी क्षेत्र की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या को भाग देकर क्या निकाला जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। कुल आय में कुल जनसंख्या को भाग देने पर कैपिटा इनकम निकलता है। अगला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक है। तो WPI इज यूज टू मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन ट्रांजैक्शन आर मेड इन बल्क बाय द होलसेलर्स। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या है, WPI क्या है, तो इसका उपयोग थोक विक्रेताओं द्वारा लेन देन करने पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में हुए औसत बदलाव को मापने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ आपके चैप्टर वन में कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का टोटल सारांश क्या है, चैप्टर का टोटल सारांश आपको इस छोटे से पैराग्राफ में दे दिया गया है। तो ओवर द लास्ट डिकेड देयर वाज अ स्टेडी ग्रोथ प्रोसेस इन बिहार स्पेनिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स। तो पिछले एक दशक में बिहार में आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ है। थैंक्स टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दिस ग्रोथ वॉज नॉट ओनली रोबस्ट बट इंक्लूसिव एज वेल, बेनिफिटिंग पार्टिकुलरली द पुअर हाउस होल्ड्स। तो सरकार के जो राज्य सरकार का जो प्रयास थे, उनके प्रयासों के कारण यह हुआ कि यह विकास केवल न मजबूत बल्कि समावेशी भी रहा, जिसके विशेष रूप से गरीब परिवारों को लाभ हुआ है। द बिहार इकोनॉमी है रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ देन ओवर ऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जो बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी तेज रहा। तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था दर है वो हमारे देश यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी उससे भी अधिक रहा है। इन द लास्ट थ्री ईयर्स एंड द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार इंक्रीज बाई 10.5% इन 2019-18। तो जो बिहार का विकास दर था वो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से तेज रही है और बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 2018-19 में कितना बढ़ा, तो 10.5% बढ़ा है। दिस ग्रोथ इज प्राइमरली लेड बाई द टर्शियरी सेक्टर विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 13.3%। तो ये जो ग्रोथ था इसमें तृतीय क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही जिसकी वृद्धि दर 13.3% थी, यानी कि जो विकास का अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर था उसमें टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा और कितना प्रतिशत रहा, तो 13.3% रहा। द वेरिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स हैज आल्सो रिजल्टेड इन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन GSDP हैज़ इंक्रीज्ड एंड द शेयर ऑफ टर्शियरी हैज़ इंक्रीज्ड। तो विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दरों में भिन्नता रहने के कारण अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन भी हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, यानी कि GSDP जो है उसमें प्राइमरी क्षेत्र का जो हिस्सा है, जो प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो हिस्सा है वो घट गया है और टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बढ़ा है। फाइनली इन द रिसेंट ईयर्स द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट एंड रूरल इन्फ्लेशन रेट हैज़ बीन मच लोअर इन बिहार देन द नेशनल इन्फ्लेशन रेट। तो निष्कर्ष रूप में ये निकलता है कि हाल ही के वर्षों में बिहार में जो समग्र मुद्रा स्फीति दर है और ग्रामीण मुद्रा स्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रा स्फीति दरों से काफ़ी नीचे रही है। दिस ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इकोनॉमी वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द रिसेंट पास। और बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का यह प्रदर्शन हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उच्च विकासमूलक व्यय के कारण संभव हो सका है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये हमने जाना कि इस पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ, इस पूरे चैप्टर का सारांश। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो बिहार हैज़ कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस्ड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द लास्ट डिकेड डिस्पाइट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद भी बिहार में गत दशक में लगातार सामाजिक आर्थिक विकास दिखा है, यानी कि बिहार में कुछ सीमित संसाधन है उसके
बावजूद भी बिहार में जो है सामाजिक आर्थिक विकास बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ा है। द इम्फेसिस ऑफ पॉलिसी इन द स्टेट हैज़ बीन ऑन द मेकिंग बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रीच एवरी वन इन द सोसाइटी। तो राज्य में नीतियों का जोर इस बात पर रहा कि सरकारी जो कार्यक्रम है उसका लाभ समाज में हर किसी तक पहुंचे, यानी कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसका लाभ राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचे, समाज के हर एक आदमी तक पहुंचे। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट इन वेरियस सेक्टर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल। तो यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की उपलब्धियों से स्पष्ट है, यानी कि ये स्पष्ट दिखता है कि जो भी आर्थिक और सामाजिक उपलब्धि हुई है, जो भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें सरकार का कितना योगदान है। सरकार ने अपने नियमों को, अपने कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाया है। The development achieved so far is the result of multiple policy initiatives of the state government, including increased level of development expenditure. तो अभी तक बढ़ा हुआ विकास जो है, अभी तक हुआ विकास, बढ़े विकास व्यय सहित राज्य सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलकदमियों का परिणाम है। तो जो भी विकास है, जो भी विकास हुआ है, तो वो भी वो कैसे हुआ है, तो राज्य सरकार जो है वो विभिन्न तरह की नीतिगत पहल करता है, उसी का ये सब परिणाम है। अब है सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का सामाजिक आर्थिक विवरणी दिया गया है। तो बिहार इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। तो बिहार क्या है, एक सघन आबादी वाला राज्य है। वी आर 1106% लिव पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार को एक सघन आबादी वाला राज्य बताया गया है, और यहाँ पे प्रति वर्ग में 1106 व्यक्ति औसतन रहते हैं, which was nearly 3 times the average population density of the country, 382% per square kilometer। और ये जो बिहार का जो जन औसतन जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहने वाला जो 1106 लोग हैं, वो देश में कितना है हमारा, तो वो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि जो बिहार की जो प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन जो क्षमता है लोगों की रहने वाला सघन आबादी, वो बिहार जो वो देश से 3 गुना है, यानी कि देश में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, वहीं बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर इन द कमिंग ईयर्स। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है, ये आने वाले कुछ सालों में और भी बढ़ने की आशा की जा सकती है। इन 2011 बिहार हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 104.1 मिलियन, वेयर इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज 1210.6 मिलियन। तो बिहार की जो वर्ष 2011 में जनसंख्या थी वो कितना थी, तो 10.41 करोड़ थी, जबकि देश की जनसंख्या थी 121.06 करोड़। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट यूजिंग सेंसस डाटा फॉर द ईयर 2001 एंड 2011 अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच इज प्रेजेंटेड इन टेबल 1.1। तो वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना का उपयोग करके जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक इकाइयों की संख्या तालिका 1.1 में प्रस्तुत की गई है, जो हम अभी आगे तुरंत ही देखेंगे। टेबल 1.1 में क्या दिया है, तो बिटवीन दिस टू सेंसेस द सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैड डिक्लाइंड इन बोथ बिहार एंड इंडिया। तो इन दोनों जनगणनाओं के बीच जन्मकालीन जो लिंग अनुपात है और बाल लिंग अनुपात है, ये बिहार और भारत दोनों में घटा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स लिव्स इन रूरल एरियाज विद द अर्बनाइजेशन रेशियो एट ओनली 11.3% इन 2011। तो राज्य की अधिकांश आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 2011 में राज्य में शहरीकरण मात्र 11.3% था। However, with the consistent socio-economic development of the state, these ratios are expected to improve for Bihar in the next census. तो हालांकि राज्य का जो सतत सामाजिक आर्थिक विकास है, इसके साथ ये देखा जा सकता है कि अगली जनगणना में इन अनुपातों में सुधार की आशा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टेबल 1.1। तो ये बताया गया है बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा।
तो यह है 2011 और 2001 और 2011 के सेंसस से ये कंपेयर किया गया है। एक तरफ दिया है बिहार का और दूसरी तरफ दिया गया है आपके भारत देश का। तो बिहार में जो कुल की जनसंख्या थी वो 2001 में कितनी थी, 8.29 करोड़, और 2011 में कितनी हो गई, तो 10.41 करोड़। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो थी बिहार में वो थी 7.43% और शहरी जनसंख्या थी 9.23%। वहीं भारत में देखें तो कुल जनसंख्या 2001 में थी 102.87 करोड़ और 2011 में हो गई 121.06 करोड़, जिसमें से कि ग्रामीण आबादी भारत की थी 2001 में 74.25 करोड़ और शहरी आबादी कितनी थी, तो वो थी शहरी आबादी आपकी थी 28.61 करोड़ 2001 में, और 2011 में कितनी थी, तो 2011 में थी भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 83.37 करोड़ थी, जबकि शहरी जनसंख्या कितनी हो गई, तो 37.71% हो गई 2011 में। अब है लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात 2001 में बिहार का कितना था, 919, 2011 में कितना हो गया, 918। भारत का जो लिंग अनुपात है वो 2001 में कितना हो गया, 933, और 2011 में कितना हो गया, 943। जन्मकालीन लिंगानुपात, तो जन्म के समय लिंगानुपात कितना था भारत में, ये 2013 से 2015 का है, तो बिहार में था 916 जबकि भारत में था 900। 2014-16 का आंकड़ा देखें तो बिहार में जन्मकालीन लिंगानुपात था 908 जबकि भारत में था 898। और ये दिया है बाल लिंगानुपात, तो बाल लिंगानुपात बिहार में 2001 में कितना था, तो 942 जबकि 2011 में कितना हो गया बाल लिंगानुपात, तो 935 हो गया। जबकि भारत में बाल लिंगानुपात 2001 में कितना था, 927, और 2011 में कितना हो गया, 919। अब है आपका प्रशासनिक ढांचा, यानी कि घनत्व दिया है प्रति वर्ग किलोमीटर में, बिहार और भारत से यहाँ कंपेयर किया गया है, राज्य और देश से कंपेयर किया गया है। तो बिहार में 2001 में प्रति वर्ग किलोमीटर में 880 व्यक्ति रहते थे, वहीं 2011 के सेंसस में 1106 व्यक्ति हो गए। शहरीकरण था 2001 में 10.5% और दशकीय वृद्धि था 28.6%, और जबकि 2011 में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गए, शहरीकरण हो गया आपका 11.3% और दशकीय वृद्धि दर हो गया 25.1%। वहीं जिलों की संख्या 2001 में बिहार में थी 37 जबकि 2011 में 38 हो गई। विकास प्रखंडों की संख्या 533 थी और 2011 में हो गई 534। इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लेते हैं कि गांवों की संख्या कितनी थी। तो गांवों की संख्या बिहार में 45,098 थी जबकि 2011 में ये 39,073 हो गई। अब भारत की तरफ आते हैं, तो भारत में 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, वहीं 2011 की जनगणना में 382 व्यक्ति रहने लगे। शहरीकरण दर था 27.8% 2001 में, 2011 में बढ़ के हो गया 31.2%। दशकीय वृद्धि था भारत का 2001 की जनगणना में 21.5% जबकि जबकि 2011 में कितना हो गया, तो 17.6%। बढ़ते हैं आगे, द पॉवर्टी रेशियो यूजिंग तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी फॉर द बिहार वॉज 34.1% फॉर द रूरल एंड 31.2% फॉर द अर्बन एरियाज इन 2011-12। तो बिहार के लिए तेंदुलकर समिति पद्धति का उपयोग करते हुए गरीबी अनुपात कितना था, तो 34.1% था 2011-12 में। शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण और 31.2%, कुल मिलाकर गरीबी का अनुपात कितना था, तो 33.7%। ये गरीबी अनुपात अखिल भारतीय स्तर की तुलना में बहुत अधिक है, यानी कि भारत की तुलना में ये गरीबी अनुपात बहुत कम है, बहुत अधिक है भारत में, यानी कि गरीब बहुत कम है, जबकि बिहार में जो गरीबी का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। द पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एज मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी रेशियो इन 2004-5 एंड 2011-12 वाज हायर इन बिहार देन ऑल इंडिया लेवल। तो गरीबी की गति जैसा कि 2004-5 और 2011-12 में गरीबी अनुपात के अंतर से मापा गया था, भारतीय स्तर की तुलना में बिहार में गरीबी अनुपात जो था वो काफ़ी अधिक था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि तेंदुलकर कमिटी जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो पॉवर्टी से संबंधित है, वो गरीबी से संबंधित है। तेंदुलकर कमेटी जो है वो पॉवर्टी पे अपनी रिपोर्ट लाती है।
अब है ग्रोथ ऑफ बिहार इकोनॉमी, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि। तो बिहार इकोनॉमी हैज़ ग्रोन एट अ हायर रेट देन द ग्रोथ रजिस्टर्ड बाय द कंट्री इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो विगत 3 वर्षों में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर दर्ज हुई है, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी तेज है देश की अर्थव्यवस्था से या भारत की अर्थव्यवस्था से। द रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम डाउन इन द लास्ट 10 2 ईयर्स, वेयर एज बिहार हैज़ रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो पिछले 2 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर घटी है, जबकि बिहार में इस दौरान 2 अंकों में वृद्धि दर्ज हुई है। द सेक्टोरल ग्रोथ इन बिहार एंड इंडियन इकोनॉमी फॉर द पीरियड 2012 टू 13 टू 2018-19 इज कम्पेयर्ड इन द टेबल 1.3। आगे हम जो टेबल देखेंगे उसमें बताया गया है कि 2012 से 13 से 2018-19 तक की अवधि जो है उसमें बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रगत वृद्धि दरों की तुलना की गई है। The higher growth rate achieved by the Bihar economy compared to the Indian economy during 2017-18 and 2018-19 has largely been due to relatively higher growth in the tertiary sector in the state. The two other sectors have grown relatively at a lower rate. तो हम ये बता सकते हैं कि बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्रगत वृद्धि दरों की तुलना की गई है तो इसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2017-18 और 18-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर हुई है, जिसका मुख्य कारण ये है कि राज्य में तृतीय क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर है, 2 अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम दर से वृद्धि हुई है। यानी कि बिहार में जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जबकि बाकी जो थे प्राइमरी और सेकेंडरी हैं उसमें कुछ कम वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं आगे, यह है आपका टेबल 1.3। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का टेबल के माध्यम से समझाया गया है कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर भारत और बिहार के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रगत वृद्धि दर बताए गए हैं। ये 2012-13 से लेकर 2018-19 तक के आंकड़े हैं। तो हम सिर्फ क्या क्या देखेंगे, तो हम सिर्फ 2018-19 के आंकड़े को देख लेते हैं क्योंकि वही लेटेस्ट है और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बिहार में 18-19 में प्राथमिक जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें 2.7% की वृद्धि हुई और बिहार में कितनी हुई, तो 0.6%। तो इस तरह से देखते हैं कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कम वृद्धि हुई है कैसे, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। द्वितीयक क्षेत्र में भी वही हाल है, द्वितीयक क्षेत्र में भारत में जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की जो क्षेत्रगत वृद्धि दर है वो 7.5% थी, जबकि बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 6.3% की ही वृद्धि हुई। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें, टर्शियरी सेक्टर की बात करें, तो भारत में 7.5% की दर से वृद्धि हुई, वहीं बिहार में 13.3% की दर से तृतीय क्षेत्र में विकास हुआ है। और यही कारण रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की दर है जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था दर से काफ़ी आगे है। आगे है पर कैपिटा NSDP, यानी कि पर कैपिटा NSDP यानी कि प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो पर कैपिटा NSDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज रिपोर्टेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन टेबल 1.4। द पर कैपिटा इनकम फॉर बिहार हैड इंक्रीज फ्रॉम ₹21,750 इन 2011-12 टू ₹30,616 इन 2018-19। तो स्थिर मूल्य पर विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद तालिका 1.4 में प्रस्तुत है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में कितनी थी, तो 21,750 रुपये से बढ़कर 2018-19 में कितना हो गया, तो 30,617 रुपये हो गया। However, बिहार हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया एंड इट वॉज ओनली 33.1% ऑफ द नेशनल एवरेज इन 2018-19। तो हालांकि वृद्धि हुई है 2011-12 के अपेक्षा 2018-19 में पर कैपिटा इनकम में, फिर भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है देश के राज्यों के बीच सबसे कम है। यानी कि जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से जो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, और 2018-19 में ये राष्ट्रीय औसत का मात्र 33.1% था। Thus, the state needs extra push to increase its economic activity so that it converges towards the national average of per capita income.
तो इस वजह से राज्य को अपनी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त आवेग की जरूरत है ताकि यह प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत के समकक्ष पहुंच सके। द पैटर्न ऑफ पर कैपिटा एनएसडीपी फॉर द स्टेट एंड कंट्री इज शोन इन चैप्टर चार्ट 1.2। तो राज्य और देश के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का पैटर्न चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है। ये आपका एक टेबल दिया गया है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनएसडीपी एट 2011-12 प्राइसेस ऑफ मेजर इंडियन स्टेट। ये 2011-12 से लेकर 2018-19 तक ये आपका पर कैपिटा एनएसडीपी दिया गया है। तो बिहार में 2011-12 में हम देखें तो 21,750 था, वहीं 2018-19 में बढ़कर ये 30,617 हो गया क्या। तो पर कैपिटा एनएसडीपी या नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते हैं सेक्टोरल ग्रोथ रेट यानी कि क्षेत्रवार विकास दर बिहार की। तो सेक्टोरल ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी फॉर द ईयर 2017-18 एंड 2018-19 अलोंग विथ ईयर 2016-17 इज प्रेजेंटेड इन टेबल 1.5। द ओवरऑल ऑल ग्रोथ रेट फॉर द जीएसडीपी इन बिहार वाज एस्टिमेटेड टू बी डबल डिजिट ड्यूरिंग द लास्ट टू इयर्स। तो हम क्या देखते हैं कि तालिका 1.5 जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं तो उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की 2016-17 से 2018-19 और 2018-19 में क्षेत्रवार वृद्धि दरें प्रस्तुत की गई हैं। बिहार में पिछले दो वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर में 2 अंकों में होने का अनुमान था। The rapid growth registered in the state was mainly on the account of the growth in tertiary sector of the economy. और ये किस वजह से बिहार का जो ग्रोथ रेट था इतने आगे बढ़ा, तो वो तृतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि के कारण जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो बिहार का अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। विच ग्रीव एट 13.10% एंड 30.30% इन 2017-18 एंड 2018-19 रिस्पेक्टिवली। जो कि 2017-18 में बिहार का जो तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर था वो 13.10% था, वहीं 2018-19 पे बढ़कर कितना हो गया तो 13.30% हो गया। अमोंग द सब सेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट इट सीन टू हैव ग्रोन एट द रेट ऑफ 36% इन 2018-19। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया तो 36% तक हो गया। द सेकेंडरी सेक्टर हैड द मोडेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 4.73 एंड 6.29% इन दोज टू ईयर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, तो 2017-18 में 4.73% से बढ़कर 2018-19 में 6.29% हो गया। इट वॉज द ग्रोथ इन प्राइमरी सेक्टर विच लॉस्ट इट्स मोमेंटम इन 2018-19 एंड द ग्रोथ रेट केम डाउन टू 0.63%। तो बिहार का जो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ है उसी में कमी दर्ज हुई है और उसका ग्रोथ रेट कितना आ गया तो 0.63% तक 2018-19 में आ गया। विद इन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज इज अ मेजर पार्ट एंड अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। तो बिहार की जो जनसंख्या है, राज्य की जो भी जनसंख्या है उसका एक मेजर प्रोपोर्शन, उसका एक बड़ा भाग एग्रीकल्चर से खेती से और उससे जुड़े हुए कार्यों से संबंधित है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर केम डाउन टू -3.87% इन 2018-19। तो कितना आ गया तो 2018-19 में -3.87% तक आ गया कृषि क्षेत्र में विस्तार, कृषि क्षेत्र में जो भी विस्तार हुआ वो माइनस में चला गया फ्रॉम 4.88% इन 2017-18। तो वहीं जो 2017-18 में कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर था 4.88% था, तो वो 2018-19 में घटकर कितना हो गया तो वो -3.87% हो गया। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्रीव एट 3.02% एंड कंस्ट्रक्शन एट 9.44% इन द 2018-19। तो मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ गई कितना बढ़ गया तो 3.0% बढ़ गया और कंस्ट्रक्शन कितना बढ़ गया तो 9.44% बढ़ गया 2018-19 में। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द बिहार इकोनॉमी हैज़ ग्रोन ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ इन द टर्शियरी सेक्टर। तो इस वजह से हम पूरा इसका अगर कंक्लूजन देखें तो ये निकलता है कि बिहार की जो भी ग्रोथ हुई है अर्थव्यवस्था में वो तृतीय क्षेत्र
क्षेत्र के योगदान से ही हुई है। तृतीय टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ से ही बिहार की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हुई है। द अनटैप्ड पोटेंशियल ग्रोथ फॉर ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर विल हेल्प द स्टेट अचीव हायर ग्रोथ रेट इन द कमिंग ईयर्स। तो प्राथमिक क्षेत्र में विकास की अप्रयुक्त संभावनाओं के उपयोग से राज्य को आने वाले वर्षों में अधिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। बिहार में 2018-19 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों ने दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की है, साथ ही सतत मूल्य पर बिहार के समग्र आर्थिक विकास की दशा में योगदान दिया है। वायु परिवहन में 36.0%, अन्य सेवाएं में 20%, व्यापार एवं मरम्मत सेवा में 17.6%, पथ परिवहन में 14% और वित्तीय सेवाओं में 13.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ बिहार इकोनॉमी यानी कि बिहार अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना। द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री बोर्ड सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन द बिहार इकोनॉमी फॉर 2017-18 इज रिपोर्टेड इन चार्ट 1.3। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है 2017-18 में तीन व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है। अभी हम वो चार्ट को देखने वाले हैं आगे। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन द GSBA वाज 21.3%, 19.7% एंड 59% रिस्पेक्टिवली। तो सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जिसे GSBA भी कहा जाता है उसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा कितना है, तो क्रमशः 21.3%, 19.7% और 59% है। द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ बिहार इकोनॉमी हैज चेंज ड्यूरिंग 2011-12 टू 2018-19। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवान संरचना है वो वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच बदली है। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज कम डाउन फ्रॉम 25.8% टू 19.7% ड्यूरिंग 2011-12 टू 2018-19। तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो 25.8% से घटकर 19.7% तक चला आया है। यानी 2011-12 में प्राइमरी सेक्टर जो था, प्राथमिक क्षेत्र जो था, 25.8% था, जो कि 2018-19 में बदलकर 19.7% हो गया। Whereas the share of tertiary sector has increased from 55.5% to 61.2% during the same period। और वहीं जो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान था वो बढ़ गया कितना से, तो 55.5% जो था 2011-12 में, और जबकि 2018-19 में बढ़कर वो 61.2% हो गया। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर वाज 18.8% इन 2011-12। तो सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र का जो कितना शेयर है, तो वो है 18.8% 2011-12 में, एंड मार्जिनली हायर एट 19.1% इन 2018-19। तो थोड़ा सा इसमें मार्जिनल ग्रोथ हुआ है 2018-19 में 2011-12 की अपेक्षा, वो कितना हुआ है, तो 18.8% से बढ़कर 19.1% हो गया। तो यह है आपका चार्ट, वो जो हमने आगे पीछे पढ़ा था कि चार्ट 1.3 में देखेंगे, तो यही है आपका चार्ट सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंट। तो कांस्टेंट प्राइस पे टर्शियरी सेक्टर का जो योगदान है वो 59% है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 19.7% और प्राइमरी सेक्टर का कितना है 21.3%। वहीं करेंट प्राइस पे यानी कि वर्तमान मूल्य पे टर्शियरी सेक्टर का जो योगदान है वो 58.9% है, सेकेंडरी सेक्टर का 16.8% है और प्राइमरी सेक्टर का 24.3% है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पैरिटी यानी कि जिलावार विषमता। देयर एग्जिस्ट कंसिडरेबली डिस्पैरिटी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एविडेंट फ्रॉम वेरियस इंडिकेटर्स। तो बिहार में विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के लिहाज से काफ़ी विषमता मौजूद है जो विभिन्न सूचकों से स्पष्ट है। द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन वेरियस पैरामीटर्स आर कवर्ड इन अदर चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो विभिन्न पैरामीटर पर विस्तृत चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य अध्यायों में की गई है। द लेटेस्ट फिगर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम फॉर बिहार आर फॉर 2011-12 ओनली एंड आर रिपोर्टेड इन टेबल A1.6। एज पर दिस एस्टिमेट्स थ्री मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर पटना, मुंगेर एंड बेगूसराय, एंड थ्री मोस्ट इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट वेयर मधेपुरा, सुपौल एंड शिवहर। तो बिहार में जिलों के प्रति व्यक्ति आय का सबसे हाल का अनुमान 2011-12 से संबंधित है।
तो इन अनुमानों के आधार पर बिहार के 3 सर्वाधिक उन्नत जिले कौन हैं, तो पटना, मुंगेर और बेगूसराय। वहीं आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिले कौन से हैं, टॉप 3 जिले हैं मधेपुरा, सुपौल और शिवहर। यानी कि ये सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले हैं, यानी कि इनमें कोई भी विकास, आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। तो सबसे कम पे है मधेपुरा, सुपौल और तीसरे नंबर पे शिवहर। जबकि सर्वाधिक उन्नत जिले कौन से हैं, तो टॉप पे है पटना, सेकंड पे मुंगेर और थर्ड पे बेगूसराय। रिलेटिवली पोस्टपोरस एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये कुछ क्षेत्रों के मामले में दिया गया है कि बिहार में कुछ टॉप बैकवर्ड और प्रोस्पोरस स्टेट्स कौन कौन से हैं, यानी कि समृद्ध और पिछड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो पेट्रोल में टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। वहीं बॉटम से कौन से हैं, टॉप नीचे से 3 सबसे पीछे के जिले कौन से हैं पेट्रोल के मामले में, तो शिवहर, लखीसराय और बांका। डीजल के क्षेत्र में देखें तो टॉप 3 है पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। वहीं नीचे से देखें हम बॉटम से, तो शिवहर, मधुबनी और बांका। एलपीजी के मामले में पटना, मुंगेर और मुजफ्फरपुर ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहीं बॉटम से देखें तो किशनगंज, अररिया और बांका। स्मॉल सेविंग्स के मामले में देखें तो टॉप 3 स्टेट्स हैं पटना, सारण और बक्सर। वहीं बॉटम 3 स्टेट्स हैं अररिया, किशनगंज और खगड़िया। अब है कि बिहार और भारत में मुद्रा स्फीति की दर, तो बिहार और भारत में मुद्रा स्फीति की यह आपको दर बताया गया है। तो ग्रामीण जो मुद्रा स्फीति दर है बिहार का, वो ब्लू कलर से आपको दर्शाया गया है, तो वो कितना है, तो 0.55% है। वहीं भारत का कितना है, तो 4.29% है। शहरी मुद्रा स्फीति दर देखें तो बिहार का कितना है, 5.39%। वहीं भारत का कितना है, तो 5.11%। संयुक्त अगर हम देखें तो बिहार का मुद्रा स्फीति दर कितना है, 1.25%, जबकि भारत के कितना है, तो 4.62%, जो कि भारत के मुद्रा स्फीति दर से काफ़ी कम है। और ये भारत के राज्य जो हैं उनमें भी बहुत ही कम, या कहेंगे सबसे कम बिहार का मुद्रा स्फीति दर है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर 1 के इकोनॉमिक सर्वे को इस वीडियो में कंप्लीट किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।